अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है थ्री साइड्स और रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी एंड टू ड्रॉ इट्स एंगल बाइसेक्टर्स एंड वेरीफाई देयर कंकर्रेंसी। मतलब हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं और वेरीफाई करना है कि वो कंकरेंट है, यानी कि एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। सबसे पहले मैयर ए बी 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पर दो पॉइंट्स लगाएंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी, जिनके दरमियान डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, एक पॉइंट को ए का नाम दे देंगे, एक पॉइंट बी को। यहां पर हम लिखेंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट मेजर ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। लेबल इसको बाद में करेंगे क्योंकि ट्राइंगल के ऊपर और भी हमने काम करना है। उसके बाद क्योंकि बी सी 3.1 सेंटीमीटर है तो हम बी को मरकज मानकर 3.1 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो बी को मरकज माना, 3.1 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाए। इसी तरह ए को मरकज मानकर, क्योंकि सी ए लेंथ 5.2 सेंटीमीटर है तो ए को मरकज मानकर 5.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि फर्स्ट आर्क को एट पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करेगी। इन दोनों पॉइंट्स, इस पॉइंट को इन दोनों पॉइंट ए और बी के साथ मिला देंगे टू कंप्लीट अ ट्राइंगल ए बी सी। पॉइंट सी को पॉइंट ए के साथ मिलाएंगे, इसी तरह पॉइंट सी को पॉइंट बी के साथ मिलाएंगे तो हमारी ट्राइंगल ए बी सी कंप्लीट हो जाएगी। यहां तक हम दो स्टेप्स कर चुके हुए हैं आगे, और स्टेप टू में हमने विद सेंटर ए एंड बी ड्रॉ आर्क्स ऑफ रेडियस 5.2 सेंटीमीटर। ए पर कंपास रखकर हमने 5.2 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई और पॉइंट बी पर हमने रख के कंपास को 3.1 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई जो के दोनों इंटरसेक्ट हुई आर्क्स एट पॉइंट सी पर। आफ्टर दैट ज्वाइन किया सी को विद ए एंड बी टू कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी। अब हमने एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसके लिए सबसे पहले हम एंगल पॉइंट ए पर एंगल बनाएंगे। पॉइंट ए पर हमने एंगल बना लिया। अब जहां पर, जहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है, कंपस को मुनासिब खोलकर उस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। अब कंपस कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जितनी पहले खुली हुई थी उतनी ही खुली रहनी चाहिए, और जहां पर एंगल एंड हो रहा है उस पर रखकर हमने एक आर्क लगानी है। अब ये दोनों पॉइंट्स, दोनों आर्क जिस पॉइंट से पास कर रही हैं, मतलब इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसको पॉइंट ए के साथ मिलाते हुए, उस पॉइंट को पॉइंट ए के साथ मिलाते हुए एक रे ड्रॉ कर लेनी है। ये रे हमारा एंगल बाइसेक्टर होगी एंगल ए का। उसके बाद एंगल बी का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए भी कंपस की मदद से हम एंगल बी ड्रॉ करेंगे। पॉइंट बी पर एंगल बनाएंगे, हमने एंगल बना दिया। अब कंपस को मुनासिब खोल लेना है, काम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कंपस फिक्स कर लेना है। इतनी हमने लेंथ की फिक्स कर ली है तो स्टार्टिंग पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, इसी तरह एंडिंग पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे। जिस पॉइंट पर दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट बी को उस पॉइंट से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ कर देंगे। ये रे भी हमारा एंगल बाइसेक्टर होगी पॉइंट बी का। इसी तरह ये हम यहां पर लिख देंगे ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट आई। इस पॉइंट को पॉइंट आई का नाम दे देते हैं। अब एंगल सी का भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। अगर वो भी पॉइंट आई से पास कर जाता है तो वेरीफाई हो जाएगा कि तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर कंकरेंट है, यानी कि एक ही पॉइंट से पास करते हैं। एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए पॉइंट सी पर हम सबसे पहले एंगल ड्रॉ करेंगे। पॉइंट सी पर हमने एंगल ड्रॉ किया। अब कंपास को काम ज्यादा नहीं करना, एक मुनासिब खोल लेना है। यहां पर पॉइंट रखकर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इसी तरह कंपस उतनी ही खुली रहनी चाहिए, जहां पर पॉइंट एंड हो रहा है उस पर आकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको पॉइंट सी से मिलाते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो ये पॉइंट सी से इंटरसेक्टिंग आर्क्स को मिलाते हुए एक रे ड्रॉ कर ली। तो क्लियरली ये रे भी जो एंगल सी का बाइसेक्टर है, ये भी पॉइंट आई से पास कर जाएगी। सो हम यहां पर लिख देंगे नाउ ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी विच आल्सो पासिस थ्रू पॉइंट आई। हेंस
एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल कंकरेंट एट पॉइंट आई। सो तीनों एंगल बाइसेक्टर पॉइंट आई पर कंकरेंट है। अब हम इसको लेबल कर देते हैं, ए बी 4.5 सेंटीमीटर था, तो यहां पर हम ए बी के साथ 4.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। बी सी 3.1 सेंटीमीटर है और सी या ए सी 5.2 सेंटीमीटर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।